तो मुझे नहीं पता था कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन जो दिल में था वो मैं कह बैठा। उसने अनजाने में ही सही लेकिन मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लिया। क्या पता था कि उसे मेरी मोहब्बत से घुटन होने लगेगी। प्यार पाने के बाद सब कुछ अच्छा सा लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि मुझे कोई खूबसूरत ज़िंदगी मिल गई। आप नहीं मानेंगे, मैं वो सब कुछ करने की सोचने लगा जो मुझे हमेशा करने से बहुत डर लगता था। उस लड़की ने वो सब कुछ मुझे करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने पल पल मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया। वो भी मुझे अपने जीवन में पाकर बहुत खुश थी। मैं भी इतना खुश था कि कोई जवाब ही नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को साथ देने लगे। मैं अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ने लगा। जीवन साथी जो मिल गई थी वो भी बहुत खुश रहने लगी मेरे साथ, हमारे प्यार के साथ। जब भी किसी मुश्किल में होते तो हम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देते। जब भी हम दोनों लड़ते झगड़ते फिर कुछ ही पल में मैं उसको मना लेता। किसी भी हाल में एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करते। हम दोनों की अलग ही दुनिया थी जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार था। मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ने को सोचा। मैं उनका प्यार और प्रिय मित्र, सलाहकार, सब कुछ था। इतना प्यार मैंने किसी से नहीं किया। फिर हम दोनों ही एक दूसरे को अपने भविष्य में एक दूसरे के साथ निहारने लगे और अपने करियर पर पूरा ध्यान केंद्रित करने लगे। हम दोनों कुछ अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते थे। बाद में कोई मुश्किल न आए आप सोच रहे होंगे कि हमने प्यार पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन हमने अपने करियर के साथ साथ मोहब्बत में भी कोई कमी नहीं रखी थी। पर शायद कुदरत को यह मंजूर नहीं था। कुछ दिनों में अजीब सा हुआ और वो मुझसे दूरियां करने लगी, लेकिन आज तक न मुझे समझ आई और ना ही इसका कारण ढूंढ पाया। और देखते ही देखते हम दोनों में हद से ज़्यादा दूरियां बढ़ने लगी। और एक दिन अचानक उसका मैसेज आया। उसका मैसेज यह था कि हमें एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। उसका यह मैसेज पढ़ते ही मेरे पांव से ज़मीन खिसक गई। अभी तो सिर्फ 2 साल ही हुए थे हमारी मोहब्बत को और पल भर में सब कुछ बिखरने की कगार पर खड़ा था। मानो किसी ने मुझसे मेरे सारे ख्वाब, सारे अरमान छीन लिए हों। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे होगा मेरे साथ। फिर हम दोनों मिले और मैंने उसे बहुत समझाया, उन्हें मनाया, अपने दिल की आवाज़ से उन्हें रोकना भी चाहा। पर कहते हैं ना कि जब एक ने जाने का मन बना लिया तो उसे रोकना नहीं चाहिए, जाने दो उन्हें, चाहे अपना प्यार ही क्यों ना हो। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि शायद उसे मेरे प्यार से घुटन होने लगी है, अब वो मेरे साथ खुश नहीं है। जो पहले हुआ करती थी, चलो कोई बात होगी। फिर मैंने उसे अपनी अपनी मोहब्बत से आज़ाद कर दी। उसे खुले आसमान में बादलों के संग उड़ने के लिए आज़ादी दे दी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मेरे साथ आज़ाद नहीं थी। वो जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी जी सकती थी, पर शायद मेरी मोहब्बत घुटन बनने लगी थी। वो मेरे प्यार से छुटकारा पाना चाहती थी। मुझे दुख तो बहुत हुआ कि मेरी ज़िंदगी मुझसे बिछड़ गई। जिसे मैंने इतना प्यार किया उसे ही मेरी मोहब्बत से घुटन होने लगी और ब्रेकअप करके चली गई। उसके बाद वो मुझसे कहीं दूर चली गई। फिर मैं अपने प्यार के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने उसे सच्चे मन से चाहा था। उसके साथ मैं गलत नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन वापस लौट कर ज़रूर आएगी। अब आप इसे मेरा पागलपन समझो या फिर मेरी सच्ची चाहत, लेकिन एक बात है, आज भी वो जब किसी सलाह या फिर किसी बात से आहत परेशान होती है तो मेरे साथ साझा करती है। फिर मुझे ही उसकी तकलीफ़ दूर करनी पड़ती है और मुझे उसकी मदद करके खुशी महसूस होती है। मुझे खुशी मिलती है कि आज भी वो मुझे याद करती है। हमें अलग हुए आज लगभग 10 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी हम दोनों के बीच प्रेम है। आप मानेंगे नहीं, प्यार एक एहसास होता है जिसे आप चाहकर भी भूल नहीं पाते या फिर भूलना ही नहीं चाहते।
मुझे आज भी अपने प्रेम पर विश्वास है कि मैं इतना प्यार किया और आज भी करता हूँ। अगर लोग बदल गए तो इसमें प्रेम की क्या गलती है? प्रेम तो एक खूबसूरत एहसास होता है जो सभी में होता है। मैंने तो उनसे सच्चा प्रेम किया था, भले ही उसने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन वो तो प्यार का एहसास था जो आज भी है। और हमें वही एहसास एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित करता है।